चलिए, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस? इज माय वॉइस ऑडिबल? वी कैन हियर यू. इज माय वॉइस ऑडिबल? यस सर, इट्स ऑडिबल. एम आई ऑडिबल? सो एनीवेज वी विल, ये सर ठीक है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीके टुडे. एज आई टोल्ड यू, एज आई इवन गाइडेड यू दैट डे कि हाउ वी विल कवर विद जनरल नॉलेज पार्ट, राइट? सो नाउ आई गेस यू हैव दिस डॉक्यूमेंट इन योर ग्रुप. डू यू हैव दिस डॉक्यूमेंट इन योर ग्रुप? यू हैव दिस डॉक्यूमेंट इन योर ग्रुप? सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ओपन द डॉक्यूमेंट. ओके, नोट, डॉक्यूमेंट विल बी इन योर ग्रुप. So document will be in your group. Wait kar. ये तो बोल रहा है. यस सर. सो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई एक आदमी ग्रुप में डॉक्यूमेंट डाल दो. तो कोई एक आदमी ग्रुप में डॉक्यूमेंट डाल दो प्लीज. ठीक है. एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स. ओके, एंड व्हाट आई हैव सीन इज इकोनॉमिक्स पूरे ईटानगर में कोई नहीं करा रहा है. अच्छा, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज. वेट 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 फॉर अ मिनट, देन आई रिक्वेस्ट द सर, वेट फॉर अ मिनट. हाँ, देखो आ गया डॉक्यूमेंट. तो डॉक्यूमेंट आ गया. हैव यू गॉट द डॉक्यूमेंट? प्लीज मेरे को थोड़ा जल्दी बताओ, हैव यू गॉट द डॉक्यूमेंट? चलिए. सो ओके ठीक है. सो प्लीज ओपन द डॉक्यूमेंट. फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दिस डॉक्यूमेंट इज सोर्स्ड फ्रॉम ल्यूसेंट. आपने सुना होगा जीके की बुक है जो पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है. तो दिस इज अ बुक ऑफ ल्यूसेंट. तो ये जो बनाया गया है, ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं या जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है, दिस इज फ्रॉम दिस बुक ल्यूसेंट. ओके, सो इकोनॉमिक्स ऐसा है कि वी विल नॉट गिव इनफ टाइम टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपके पेपर में नहीं पूछी जा रही है. फिर भी वी विल नॉट टेक रिस्क. आई विल टेक अनदर योर, जैसे आज मंडे है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट मंडे एंड नेक्स्ट ट्यूजडे. सो नेक्स्ट ट्यूजडे आई विल बी फिनिशिंग विद योर इकोनॉमिक्स. ओके, सो नेक्स्ट मंडे तक आई विल बी फिनिशिंग योर इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट ट्यूजडे मीन्स फॉर 1 वीक, 7 डेज. ठीक है. और इसमें आई विल नॉट गो इन मच डिटेल्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती है. सिंपल छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए.
सो पहला अगर आप देखोगे वर्ड रिटर्न इज नंबर वन, वर्ड रिटर्न इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अब समझो ये क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि महंगाई का होना। जैसे पिछले साल कोई चीज 100 रुपए की थी, आज ये चीज 120 रुपए की हो गई, तो आप ये बोलोगे कि सर अब ये जो चीज है पिछले साल से 20 रुपए महंगी हो गई है, 20 रुपए कॉस्टली हो गई है। सो दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन, महंगाई। बस आप इतना याद रखो, महंगाई। ठीक है, आगे। अब इन्फ्लेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। देखो जरा, इन्फ्लेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज डिमांड पुल एंड सेकेंड इज कॉस्ट पुश। एक होती है डिमांड पुल, दूसरी होती है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल, डिमांड पुल का मतलब ये हुआ कि ये एक्स आदमी है, हमने ये बोला इसकी जो इनकम है 100 है, तो 100 के हिसाब से उसकी डिमांड होगी। अब हमने बोला कि इस आदमी को नौकरी मिली, इस आदमी ने कोई बिजनेस कर लिया। जब उस आदमी ने कोई बिजनेस किया अब क्या होगा, तो अब इसकी सैलरी जो 100 थी वो बढ़ गया 500 हो गई। अब जब इसकी सैलरी बढ़ के 500 होगी तो अब इस आदमी की डिमांड क्या होगी बताओ। अब इस आदमी की डिमांड विल इंक्रीज। अब जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली जो चीज की प्राइस है वो क्या हो जाएगी, तो प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये जो इन्फ्लेशन होती है इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कि किसी ना किसी वजह से डिमांड ज्यादा हुई, सैलरी बढ़ने से डिमांड ज्यादा हुई, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड ज्यादा हुई, कोई फेस्टिवल सीजन आ गया डिमांड ज्यादा हुई, तो दैट इज योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब होता है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है जैसे आपका फर्टिलाइजर महंगा हो गया, सपोज करो फर्टिलाइजर महंगा हो गया, या सपोज करो आपका इंसेक्टिसाइड महंगा हो गया, तो आपकी इसका मतलब क्या होगा, आपकी खेती महंगी होगी। और अगर आपकी खेती महंगी होगी तो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। सो दैट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। समझ आ गया। सो देर आर टू टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब देखो जैसे सेकंड पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट में देखो, जैसे मोबाइल की बात करते हैं, हमने बोला ये मोबाइल, इस मोबाइल में डल रही है ये चिप, हमने बोला पहले ये चिप आ रही थी 5,000 रुपीज की, जब ये 5,000 रुपीज की चिप आई तो ये मोबाइल बिक रहा है 7,000 रुपीज का। अब हमने बोला ये चिप इज गेटिंग कॉस्टली, अब जब ये चिप ही महंगी होगी तो दैट इज योर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब चिप ही आपकी 7,000 की होगी, जब चिप आपकी 7,000 की होगी तो मोबाइल का प्राइस कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे देखो इसमें एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे अगर दूध की प्राइस बढ़ेगी, जैसे अभी आपको जो चाय का कप मिलता है वो 10 रुपए का मिलता है, 10 रुपीज चाय का कप, बट अब हमने बोला कि चीनी महंगी होगी, शुगर महंगा हो गया, दूध महंगा हो गया, ऑब्वियसली आपकी चाय का कप भी तो महंगा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज योर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब थर्ड पॉइंट पे आओ, यहां पे लिखा हुआ है सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। सेक्टोरियल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, सेक्टोरियल इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ एक सेक्टर में कोई चीज महंगा होगा, एक सेक्टर में, लेट्स से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी। अब जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली टूरिज्म टूरिज्म बढ़ेगा ना, सॉरी टूरिज्म का प्राइस बढ़ेगा, टैक्सी का प्राइस बढ़ेगा। सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। महंगाई किसी चीज में हुई, किसी सेक्टर में हुई और उसका इंपैक्ट किसी सेक्टर में हुआ, तो इसको बोला सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। जैसे प्याज महंगा हुआ, तो जब प्याज महंगा होगा तो रेस्टोरेंट का खाना भी क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज सेक्टोरियल इन्फ्लेशन। तो देखो इसमें लिखा हुआ है पेट्रोल,
जब आपकी पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी। चलो एक देखो इसमें वर्ड लिखा होगा स्क्यू इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन। अब स्क्यू इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये एक सेक्टर है, लेट्स से दिस इज एग्रीकल्चर, हमने बोला वीट का प्राइस बढ़ गया, वीट का प्राइस बढ़ गया। अब जब वीट का प्राइस बढ़ा तो मोबाइल तो नहीं महंगे होंगे ना, मोबाइल तो वही रहेंगे, क्यों, जो वीट है दैट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर मोबाइल। तो एक सेक्टर में इन्फ्लेशन हुई, हेलो हेलो, ग्रेट बैटरी एसी को क्या हो गया, जल्दी नहीं लगे, कितना पसीना, ठीक है अभी तो ब्लैक सा निजार लिखा रहा है, तभी तो आपका तो जल्दी नहीं। और तो ओपन एनी वीडियो, कोई भी अपना वीडियो मत ओपन करो, हाँ, और अपने उधर से अनम्यूट रखो अपने आप को प्लीज, ओके। चलो आप मेरे को बताओ व्हाट इज स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू इन्फ्लेशन होती है जब एक सेक्टर में इन्फ्लेशन है और एक सेक्टर की इन्फ्लेशन जो है वो दूसरे को इंपैक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। जब एक सेक्टर में इन्फ्लेशन है और इसके कारण इसको कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, हम कहते हैं कि मुर्गी चिकन, चिकन महंगा हो गया। अब जब चिकन महंगा हुआ तो कपड़े का प्राइस थोड़े महंगा हो जाएगा, कपड़ा तो सस्ता ही रहेगा, क्योंकि चिकन और कपड़ा आपस में रिलेटेड नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज स्क्यू इन्फ्लेशन। तो देयर इज इन्फ्लेशन ओनली इन वन सेक्टर, और जिसमें इन्फ्लेशन है उससे किसी और सेक्टर को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज क्यू इन्फ्लेशन। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेकर चले, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये जितनी मर्जी महंगी हो जाए अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो नहीं लेनी, चाहे 1 करोड़ की है, चाहे 10 करोड़ की है, चाहे 100 करोड़ की है, चाहे 200 करोड़ की है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। So that is what is your skew inflation. Is it okay? Now, this is a very big question, stagflation. और इसमें एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, स्टैगफ्लेशन क्या है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता है, स्टैगफ्लेशन। और मैं आपको बता रहा हूं जितनी जीके मैं आपको पढ़ाऊंगा कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी जीके 2-3 महीने चलती है, ज्यादा भी चलती है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से बना है, एक वर्ड है स्टैगनेशन और अगला वर्ड है इन्फ्लेशन, तो ये दो वर्ड से बना है स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब ये हुआ
एक सोसाइटी में, लेट्स टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश. अब अरुणाचल प्रदेश में हमने बोला स्टैग्नेशन है. स्टैग्नेशन का मतलब है कि इकोनॉमी इकोनॉमी इज नॉट गोइंग गुड. जब इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो लॉजिकली तो अनएम्प्लॉयमेंट है. सो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिल रही है. एंड एट द वेरी सेम टाइम, उसी टाइम इस सोसाइटी में इनफ्लेशन भी है. अब बताओ, महंगाई भी है. ठीक है, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है आजकल. क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही और महंगाई बहुत ज्यादा, आम आदमी उसका खर्चा ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा है. तो हम ये बोलेंगे कि स्टैगफ्लेशन है. स्टैगफ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट. और उसी टाइम इकोनॉमी में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ इनफ्लेशन. सो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, इनफ्लेशन भी है. तो दोनों चीजों का इकट्ठा होना, तो दिस इज नोन एज स्टैगफ्लेशन. इज दिस ओके? क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब आपके पेपर में पूछता है कि ये इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करें, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, मेजर कैसे करो. तो हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन को मेजर हम तीन तरीके से कर सकते हैं. एक तो प्रोड्यूसर लेवल, और इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, आई एम जस्ट गिविंग अ डेमो. ओके, उस दिन मैंने डेमो नहीं दी थी, उस दिन सिर्फ मैंने एक नॉर्मल आपको लेक्चर दिया था. एंड आई होप यू माइट बी लाइकिंग इट. ठीक है, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जहां पे प्रोडक्ट बना, फिर ये प्रोडक्ट आता है होलसेल में. अब इसको बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स. होलसेल प्राइस इंडेक्स. अब होलसेल के बाद ये जो सामान है वो आपके घर में आता है, आपकी दुकान पे आता है, छोटी छोटी जो गुमतीज हैं, छोटी छोटी जो दुकानें हैं वहां पे आता है, और फिर उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. और अब आपने पेपर में देखा भी होगा, दिस इज नोन एज पीपीआई. दिस इज नोन एज WPI. एंड दिस इज नोन एज CPI. अब आपने ये याद रखना है, हिंदुस्तान में जो कंज्यूमर, हम जो इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, वी आर मेजरिंग फ्रॉम हियर. तो वी आर मेजरिंग फ्रॉम PPI. ये क्वेश्चन आता है बार बार कि हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं. तो हिंदुस्तान में हम इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं CPI पर, कंज्यूमर के लेवल पे. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे मेजर करते हैं. अब इसको बोलते हैं बेस ईयर. अरे कंपेयर करेंगे ना, आप बोलोगे सर आज अंडा, लेट्स से अंडे की ट्रे ₹100 आज प्रेजेंट टाइम में इन 2023. अब वो आपकी मर्जी है कि कैसे आपको कंपेयर करना है. हो सकता है आप एक महीने के पहले कंपेयर करो, बट सरकार जो कंपेयर कर रही है वो 2011-12 के टाइम से कंपेयर कर रही है. तो ये हमारा बेस ईयर है, इस ईयर से हम आज की प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं. लेट्स से उस टाइम अंडे की ट्रे थी ₹80 की. तो अब आप ये बोलोगे सर जो हमारा बेस ईयर है दैट इज 2011-12, इसमें अंडे की ट्रे वॉज एट ₹80, अभी दैट ट्रे इज एट ₹100. तो इसका मतलब ये जो अंडे की ट्रे है वो हमारे बेस ईयर से ₹20 महंगी हो गई. तो दिस इज व्हाट इज बेस ईयर. और सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा, इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं, CPI. इन्फ्लेशन मेजर करने का बेस ईयर क्या है, 2011-12. तो दिस इज योर बेस ईयर. सिंपल क्वेश्चन, समझ आ रहा है सर? व्हेन विल बी द, नहीं
वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, उसमें हमारा कोई अभी रोल नहीं है, वो सर भी नहीं बता पाएंगे। इससे पहले बेस ईयर था 2004-05, 2004-05, अब हमारा जो बेस ईयर है दैट इज 2011-12। ठीक है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, तो मेरे को ये पता लगता है कि जो ट्राइबल आदमी है वो पढ़ सकता है। ठीक है, ये इन्होंने कहानियां बना रखी हैं तो कि ट्राइबल आदमी नहीं पढ़ता है, कम पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है। और मैं ये चाहता हूं कि आप जितने ग्रेजुएट हो आप एपीसीएस की तैयारी करो, ये मैं दिल से चाहता हूं। आप वही है ना, आप सिर्फ और सिर्फ आप नोटिफिकेशन जब निकलती है तब यू तब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, बस थोड़े पढ़ने से कभी तैयारी नहीं होती है, समझ आ रहा है। और आई एम नॉट योर टीचर, आई एम जस्ट लाइक योर फ्रेंड। ठीक है, मेरा काम है आपको अच्छे से गाइड करना। देखो अब इतना अच्छा पढ़ा दिया आपको, देखो सब याद भी हो गया होगा। ठीक है, एनीवेज चलो अब इसमें देखो। अच्छा बेस ईयर लिखे, फोर्थ पॉइंट में बेस ईयर मार्क करो 2011-2012, और एक बार और मार्क करो। जब हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, जब ये हम पूरा एक डाटा बनाते हैं, तो उस डाटा के लिए भी टेक 676 प्रोडक्ट्स। एक वर्ड और याद कर लो, जैसे ही आंसर में लिखे वैसे ही मार्क कर देना है, वी टेक 677 प्रोडक्ट्स। तो हम ये पूरा एक बनाते हैं कि ये जो 676 प्रोडक्ट्स हैं, तेल, डीजल, अंडा, ब्रेड, नमक, हल्दी, ये सब हम काउंट करते हैं, और वो टोटल जो प्रोडक्ट्स है वो 676 है। बस आपने ये याद करना है। ठीक है, तो आपने इस चीज को याद करना है कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कितने प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने नॉर्मल परसेंटेज पढ़ा होगा सीसैट में। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये कितना कितना बढ़ गया ये, अब खुद दिमाग लगाओ तो ये कितना बढ़ा। अब आएगा 100 माइनस करेंगे 80। अब जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं ना, 80 इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन्फ्लेशन। तो फॉर्मूला ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब आज कितनी प्राइस है, बेस ईयर में कितनी प्राइस थी, कंपेयर किससे कर रहे हैं बेस ईयर, तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100, तो ये आपका आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखो, 20 डिवाइडेड बाय 80 इनटू 100, कैलकुलेट करो 14125। तो आप बोलोगे सर अंडे की प्लेट बेस ईयर से 25% बढ़ गई, 25% उसमें बढ़ोतरी हो गई। तो दिस इज व्हाट इज योर कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। देखो फॉर्मूला क्लियर हो गया, फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, करंट ईयर प्राइस माइनस बेस ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100। व्लादिमीर पुतिन को क्लियर हो रहा है, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, हाँ यस। नहीं क्लियर होगा फिर यूक्रेन वाला हाल करेगा हमारा। चलो अच्छा अगला वर्ड लिखा है डिसइन्फ्लेशन। ये समझो क्या है डिसइन्फ्लेशन। अच्छा समझो, अब तीन वर्ड लिखो, तीन वर्ड क्या लिखोगे। एक आपने वर्ड लिखना है डिस इन्फ्लेशन, अरे ये तो कोई पढ़ाता भी नहीं है एपीएसएसबी में, पर मैंने सोचा नहीं अगर दिल्ली में लोग पढ़ते हैं एसएससी के लिए आप भी पढ़ो। डिस इन्फ्लेशन, डीफ्लेशन और रीफ्लेशन, ये तीन वर्ड पढ़े आए। ठीक है, अब समझो क्या है। हमने बोला चीज है 100 रुपए की, जब 100 रुपए की चीज सस्ती होगी 90 रुपए की होगी,
सस्ता होना, तो दिस इज नोन एज डीफ्लेशन, इसको बोला डीफ्लेशन। ठीक है, जब ये चीज फिर 90 की, 91, 92, 93 की तरफ जा रही है, इसको बोलेंगे रीफ्लेशन, हवा भर रही है। अरे जैसे टायर, टायर की हवा निकाल दो तो टायर फ्लैट होता है ना। तो चीज है 100 रुपए की, जब वो चीज सस्ती हो गई तो उसको डिफ्लेशन बोल दिया। फिर से महंगा होना शुरू होना क्या हो गया, रीफ्लेशन हो गया, उसमें हवा भरनी शुरू कर दी हमने। नाउ व्हाट इज डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन का मतलब है जो इन्फ्लेशन थी वो 25% है, 25%। जैसे हमने बोला 100 रुपए की चीज, तो ये अब होगी है 125 रुपए की, तो इन्फ्लेशन 25% होगी ना। अब चीज 100 रुपए की है, बट अब वो चीज होगी 120 रुपए की, इसका मतलब महंगी है। पहले 125 की थी, अब वो चीज 100 की 120 की होगी है, इन्फ्लेशन 20% है, इसका मतलब इन्फ्लेशन है। पहले इन्फ्लेशन 25% है, अब इन्फ्लेशन 20% है। तो पर चीज तो महंगी है, चीज कॉस्टली है, बट उसकी परसेंटेज कम होगी। पहले 25% कॉस्टली थी, अब 20% कॉस्टली है, तो दिस वर्ड इज नोन एज डिस इन्फ्लेशन। तो इसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन, तो दिस इज नोन एज डिस इन्फ्लेशन। बताओ कितने मुश्किल है जो समझ नहीं आ रहे, पढ़ाएंगे तब समझ आएगा ना, जब नहीं पढ़ाएगा तो कैसे समझ आएगा। अच्छा अब एक साइड पे एक चीज लिखो, साइड पे वो हम फिर पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कौन रखेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखेगा आरबीआई, दिमाग पर। हु विल कंट्रोल इन्फ्लेशन, आरबीआई। अब इसी में देखो, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई मुंबई, अभी पढ़ेंगे डोंट वरी, हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई मुंबई। अब यूडीसी का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन भी आया था, आरबीआई का गवर्नर, और हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है, उसमें 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आरबीआई का गवर्नर। तो आरबीआई का गवर्नर आप शांति कांता दास, शांति कांता दास, नाउ ही इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, शांति कांता दास। ठीक है, इतना साक्ष याद कर लू, ये फिर पढ़ेंगे डोंट वरी। नाउ कम टू द इंडियन बैंकिंग, 8th क्वेश्चन पे आओ। अब ये सारा फैक्चुअल है, मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आई विल रिपीट। इंडियन बैंकिंग, तो इंडियन बैंकिंग में आप सबसे पहले देखो, अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। सो ये बनेगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1770, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने 3 वर्ड याद करने हैं, 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये बना फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया खुला 1786 में, और इस बैंक का नाम है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा आपको सेकेंड बैंक कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट बैंक भी आएगा, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या है। और ये जो बैंक था वो इंडियन नहीं था, वो ब्रिटिशर्स, हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई है, उन्होंने बैंक खोला है। और देखो कौन सी कंपनी खोल रही है, फर्स्ट एंड सेकेंड बैंक, तो दिस इज ऑफ अलेक्जेंडर कंपनी। सो एक कंपनी है जिसका नाम है अलेक्जेंडर, उन्होंने ये बैंक खोला हुआ, अलेक्जेंडर।
अब उसके बाद क्या हुआ ना, फर्स्ट और ये सेकेंड बैंक थोड़े टाइम के बाद बंद हो गई। अब आया ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया जो आज तक चल रहा है, ओल्डेस्ट बैंक, सबसे पुराना बैंक, दैट इज अलाहाबाद बैंक। अलाहाबाद बैंक ये सबसे पुराना बैंक है जो आज तक चल रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, सबसे बड़ा बैंक हिंदुस्तान का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, ये लार्जेस्ट बैंक है, सबसे ज्यादा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, ये याद कर लो। 13th काट दो, नहीं पूछेगा क्यों। 14th इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बैंक जो इंडियंस ने खोला, इंडियंस ने, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। ये हमारा खुद का बैंक था, इंडियंस ने खोला था, ये फर्स्ट इंडियन बैंक पंजाब नेशनल बैंक। और ये कब खुला था, ये भी क्वेश्चन आता है, 1894। सो दिस बैंक वॉज ओपन इन 1894। अच्छा, ऐसा बैंक जिसने सबसे पहले फॉरेन में जाके अपनी ब्रांच खोली, तो वो बनेगा बैंक ऑफ इंडिया। तो एक बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, वो स्टार स्टार करके उसका सिंबल भी है, स्टार करके, बैंक ऑफ इंडिया। इसने अपनी पहली ब्रांच खोली थी, ये पहला ऐसा बैंक है जिसने अपनी ब्रांच फॉरेन में खोली। कहाँ खोली, लंदन। कब खोली, 1946। सेवनटीन। अच्छा ये काट दो, बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1906, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखो, मैक्सिमम ओवरसीज ब्रांच, इसका मतलब एक ऐसा बैंक जिसकी सबसे ज्यादा फॉरेन में ब्रांचेस है, तो दैट इज योर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, एक्चुअली इसका डाटा चेंज हो चुका है, ये अभी इट शुड बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख लो, चेंज करके इट शुड बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा लिखा ही हुआ है आगे, 18th देखो, उसमें लिखा ही हुआ है। अब ये क्वेश्चन बहुत आता है, 20th। अच्छा एक ये भी देख लो, फर्स्ट स्वदेशी बैंक। स्वदेशी का मतलब सब कुछ अपना था, पैसा भी अपना, लोग भी अपने, अकाउंट होल्डर भी अपने, स्टाफ भी अपना, सब कुछ अपना, किताबें भी अपनी। तो दैट बैंक वॉज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911। इंडियंस ने जो पहला खोला था वो पंजाब नेशनल बैंक, फर्स्ट स्वदेशी बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1911। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसा बैंक जिसको गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था, नोट करो, बैंक इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी। तो दिस इज योर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई बोला जाता है इसको, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1919। अच्छा कुछ अपनी कॉपी में ऐड करो, मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जैसे 1906 लिखा है बिल्कुल टॉप पे, इसको गोला करो। और 1906 में हुआ था कैलकटा सेशन, नोटेड डाउन, कैलकटा सेशन। मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा हूं, ताकि थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन देता रहा। इस कैलकटा सेशन के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नावरजी, नोटेड डाउन, उसके प्रेसिडेंट वो दादा भाई नावरजी। और इस सेशन में दादा भाई नावरजी ने बोला था स्वदेशी, और वी शुड से इट्स नॉट अ स्वदेशी, स्वराज।
So he gave a slogan of Swaraj. ठीक है, ये याद करो. 1911 लिखा है कहीं पे, 1911. 1911 तक इंडिया का कैपिटल वॉज कैलकटा. अब 1911 में गोरो ने कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली. नोट कर, सो 1911 इंडियन कैपिटल शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली. और क्वेश्चन पता क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि कैलकटा से दिल्ली कैपिटल कब शिफ्ट हुआ, 1911. और अगला क्वेश्चन ये आता है कि वाइसरॉय या गवर्नर जनरल कौन था. आप ये भी याद करो, ये स्वराज के टाइम पे गवर्नर जनरल बहुत कर्जन. और इसी के टाइम पे चली थी स्वदेशी मूवमेंट, ये हम पढ़ेंगे. और स्वदेशी मूवमेंट क्यों चली थी, क्योंकि हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल. अब देखो कितने क्वेश्चन होंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण स्वदेशी मूवमेंट. जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चली, तो कौन वाइसरॉय है, कर्जन. पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ, 1905 में. स्वराज किसने बोला, दादा भाई नौरोजी ने. कब बोला, 1906 में. किस सेशन में बोला, कैलकटा सेशन में बोला. हो रहा है ना याद, चलिए हो गया. अब 1911 के आगे लिखिए लॉर्ड हार्डिंग. तो 1911 में जो कैपिटल शिफ्ट हुआ था कैलकटा से दिल्ली, तो वो कैपिटल शिफ्ट करने में भूमिका निभाई थी लॉर्ड हार्डिंग ने. लॉर्ड हार्डिंग, मैं आपको स्लो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे को सिर्फ 23 क्वेश्चन तक कराना है. आई एम यूजिंग द टाइम. हो गया, इज दिस ओके. अब 1919 लिखे, 1919 में सबसे पहले आप लिखिए लॉर्ड कैंसफोर्ड. तो लॉर्ड कैंसफोर्ड वॉज आर वाइसरॉय ऑब्लिक गवर्नर जनरल. और ये वही टाइम है जब 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर. इसी टाइम में इंडिया में चल रही थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नोट करते रहो प्लीज. चलिए सर, दिस क्लास जीके मैथमेटिक्स कांट. अरे दिस क्लास इज ऑफ जीके, मैथमेटिक्स कहां से आ गए, बोर्ड पे क्या हो रहा है, जीके की क्लास है. चलिए एनीवेज. अच्छा अब 21 पे आओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एसबीआई कब बना. अब आपको पता लग गया ना, सबसे बड़ा बैंक एसबीआई, फिर ऐसा बैंक जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस फॉरेन में है एसबीआई, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है एसबीआई. अब एसबीआई बना कब, 1955. बार कब, तो बहुत सारे बैंक उनको मर्ज कर दिया गया और बना फिर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, अब बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब वो था फाइनेंशियल ईयर. देखो आपका जो नॉर्मल ईयर है वो जनवरी टू दिसंबर. अब जो फाइनेंशियल ईयर है, जो बैंक का फाइनेंशियल ईयर है, वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और ये खत्म होता है ऑन 30th ऑफ मार्च और 31st ऑफ मार्च को ये खत्म हो जाता है. तो दिस इज अ ईयर ऑफ बैंक, दिस इज नोन एज योर फाइनेंशियल ईयर. और आपने सुना भी होगा बैंक की इस टाइम पे ऑडिटिंग होती है, बैंक की क्लोजिंग होती है, एक साल में कितना बिजनेस किया, कितना पैसा दिया, कितना पैसा वापस आया, वो सब वो मार्च में करते हैं.
So that is from 1st of April to 31st of March. So this is your financial year. Okay. और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है दैट इज जुलाई टू जून. आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज जुलाई टू जून. ठीक है. अच्छा अब ये 24 से लेके 27, 28 क्वेश्चन तक बहुत क्वेश्चन आते हैं. इसमें मार्क करो मुंबई. मुंबई में किस किस बैंक का हेडक्वार्टर है. ठीक है. एसबीआई, आरबीआई, यूबीआई, आईडीबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मत कर देना. कैलकटा वॉज अ हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है दिल्ली. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव. ठीक है. इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई. कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु बैंगलोर. बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा, बड़ौदा का नया नाम हो गया बड़ोदरा. सो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ोदरा. आंध्रा बैंक नाम से क्लियर है हैदराबाद. आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी हैदराबाद है. तेलंगाना आंध्र प्रदेश की. बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे. कंफ्यूज नहीं होना मुंबई में. देना बैंक मुंबई. सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर मणिपाल. ये बैंक अब खत्म हो गया. सिंडिकेट बैंक मणिपाल. अच्छा ये याद करो बंधन बैंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बंधन बैंक इसका हेडक्वार्टर इज कैलकटा. इज इट ओके. इसका हेडक्वार्टर इज एट कैलकटा. बंधन बैंक. चलिए एक्चुअली मैंने 23 तक ही कराना था. एनीवेज ये भी कर लिया. सो टुमारो वी विल स्टार्ट विद आरबीआई. आपको क्लास कैसी लगी. ठीक है. सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद आरबीआई. ठीक है. और वी विल बी स्टार्टिंग विद 609. Are you okay with class or should I change my teaching pattern? Is this okay? It's okay, sir. Samajh aaya hai? Fine with me, sir. Aur kuch? Yes, sir. Do aadmi ko samajh aa gaya hai, sabko hi aana chahiye. All is okay? No complaints. Okay. Is this okay? इससे ज्यादा जीके तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा. आप मेरे से लिखा के ले लो. ठीक है. ईटानगर में कोई नहीं पढ़ाएगा आपको. और मैं आई एम जस्ट नॉट रीडिंग. मेरा मन है आपको अच्छे से पढ़ाना. और एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि आई एम ऑलरेडी सिलेक्टेड इन पंजाब सिविल सर्विस, मैं ये चाहता हूं कि तुम भी सर्विस में जाओ, तुम भी अच्छी नौकरी में जाओ, सीओ बनो, डीएसपी बनो. बट तुम लोग नहीं पढ़ते हो. नोटिफिकेशन आती है तब पढ़ना शुरू करते हो. ऐसा नहीं होता है. ओके. जैसे उस दिन कोई ग्रुप में भी लिख रहा था एलडीसी का पेपर तो 17th को है. तो भाई 3 महीने पहले आना था ना, 4 महीने पहले आना था. Yes sir, you are going too fast. It's hard for me to cancel, but I will try to go. ठीक है. अरे फास्ट अब करना ही पड़ेगा ना थोड़ा सा. कोई बात नहीं, कल को we will reduce the speed. थोड़ी स्पीड कम करेंगे.
ठीक है, डोंट वरी। और आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, तो यू कैन पॉज एंड यू कैन वॉच ऑल्सो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, और मेरा नंबर है सबके पास, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ मेरे को कोई मॉन्स्टर पिलाओ, कोई नहीं पिलाता है। दिस इज माय पर्सनल नंबर, ओके, सो यू कैन मैसेज मी। दिस इज आल्सो माय जीपे नंबर, किसी को मॉन्स्टर पिलाना है, किसी को रेडबुल पिलानी है, मेरे को पिला सकते हैं। ठीक है, और अ लाइटर नोट, ऐसा नहीं कि मैं तुमसे बात, जस्ट जस्ट टू मेक अ गुड रिलेशन विद यू, खुश हो रहा हूँ। चलो ठीक है, अब जो ऐसे ऐसे स्माइली भेज रहा है वो मॉन्स्टर के पैसे भी भेजेगा, 130 रुपीज। ओके, हम भी निशी बनेंगे, मॉन्स्टर पिएंगे, रेडबुल पिएंगे। तो अच्छे से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर।